हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं POC सेकंड, यानी कि जो कि थर्ड सेमेस्टर में है बी फार्म में। तो उसका ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, यूनिट फर्स्ट हम देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये होने वाली है हमारे इस वीडियो में, अदर आपकी अदर जो वीडियोज है उसमें नहीं मिलेगी, कि हमारे पास 3 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर हैं और साथ के साथ हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। यकीन माने आपको एकदम ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर हमने यूनिट में जैसे जल्दी जल्दी पढ़ना है तो किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस देना है। तो 3 साल पुराने क्वेश्चन पेपर इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाले ऐप पे। और बाकी ये जो नोट्स वगैरह जो मैं यहाँ पे सारा कुछ लिखा हूँ, ये भी आपको वहीं मिल जाएंगे फार्मेसी वाले ऐप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं, पहले देखिए टॉपिक देख लेते हैं क्या है। यूनिट फर्स्ट है हमारी, वो है बेंजीन एंड उसके डेरिवेटिव। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं वो उतना मैं बोलूंगा। देखिए, एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अवर एविडेंस अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसके अलावा ऑर्बिटल पिक्चर एंड रेजोनेंस इन बेंजीन। तो इतना हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, बाकी जो एरोमेटिक कैरेक्टर और हकल्स रूल है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो बात करते हैं ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद देखिए आपके 10 मार्क्स या 7 मार्क्स कन्फर्म पक्के होने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं, जैसे कि 2020-2021 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन किस तरीके से आया था। देखिए, राइट अबाउट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि 7 मार्क्स में है, आपके सामने है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये क्वेश्चन किस तरीके से आया है, जो कि 2019-2020 में आया था, जो कि 10 मार्क्स में आया था। गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये इस तरीके से आया। बाकी जो ये क्वेश्चन पेपर है 2018-2019, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आया, इसके जगह पे दूसरा पूछा गया था। तो इसके अलावा जो शॉर्ट में यही क्वेश्चन एक आया था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये हम कवर करते हैं। इसके अलावा वही गिव मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, ये हम कवर करते हैं। और ये इस तरीके से जो यहाँ पे जो है हमारा वही 7, 10, 12 जो भी हमारे मार्क्स हैं वो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक वही है, बेंजीन क्या है और उसके डेरिवेटिव क्या है। देखिए, आपने पता ही होगा बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है और बेंजीन के जैसे जो अदर कंपाउंड होते हैं, यानी कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है, वो बेंजीन के डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो देखिए, सिंपल सा पहले वही यहाँ पे लिखा पड़ा है, बेंजीन क्या है। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड विच हैव C6H6 मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसके लिए आपने सेकंड जो मतलब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जैसे कि आप देखोगे एरोमेटिक कैरेक्टर एंड हैकल्स रूल, तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। एक बार मैं फिर भी शॉर्ट में आपको बता दूं, जैसे कि हमारी जो बेंजीन है, आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा, कुछ इस तरीके से बेंजीन होती है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटिव बॉन्ड होते हैं, यानी कि बोले तो कंजुगेशन यहाँ पे होता है, रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारे यहाँ पे कंजुगेशन होता है और इसके अलावा ये हमारी साइक्लिक है और ये प्लेनर होती है। प्लेनर अभी फिलहाल आप ये समझें कि प्लेनर होती है, वो बाकी सेकंड पार्ट में आपको क्लियर समझ आएगा। तो ये रेजोनेंस की वजह से हमारी एरोमेटिक होती है, सिंपल सी बात है। और इसका वही केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H6, यहाँ पे 6 कार्बन होंगे, 6 ही हाइड्रोजन होंगे। और बात करते हैं, देखिए जो कंपाउंड जिनके अंदर व्यंजन रिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव बोलते हैं। सपोज जैसे कि हमने बेंजीन पे ही यहाँ पे ऊपर इस तरीके से यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये हमने OH लगा दिया, तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के हमने यहाँ पे एक और ग्रुप लगा दिया, हमारा फिनॉल हो गया, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसके अलावा एक हो गया हमारा ये, दूसरा अगर हम बात करें जैसे कि वही बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, CHO, ये हमारा बेंजाल्डिहाइड हो गया, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इसके अलावा तीसरा अगर हम बात करें इसका डेरिवेटिव, जैसे कि ये हमारा वही बेंजीन है, मतलब उसी पे हमने कोई सब्स्टिट्यूट जोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे हमने NO2 जोड़ दिया, तो ये हमारा नाइट्रो बेंजीन हो गया, ठीक है। समझ गए ना कि बेंजीन क्या है और बेंजीन के डेरिवेटिव क्या है। तो सिंपल सा अगर देखिए बात करें, स्ट्रक्चर बेंजीन की कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि ये जो यहाँ पे आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं, हमारे पाई बॉन्ड हैं ये, और ये जो ना डिलोकलाइज होते रहते हैं, जैसे कि ये वाला यहाँ पे आ सकता है, ये वाला यहाँ पे आ सकता है, ये वाला यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बन सकती है, यहाँ पे देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें ये बॉन्ड आगे खिसक गया, यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से
और इसको हम जो इजिली जो तरीका है, इजी तरीका है, हम इस तरीके से शो करते हैं, इस गोल सर्कल से दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस है कि वर्ण यहाँ पे घूम रहे हैं। इतना समझ आया आपको। बात करते हैं कि कौन कौन से डेरिवेटिव हैं और कितने टाइप्स के होते हैं इसके डेरिवेटिव। तो तीन तरह के डेरिवेटिव होते हैं। देखिए, सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखिए, जैसे कि हमारा मोनो, मोनो को कहने का मतलब है, जैसे हमने एग्जांपल देखे, फेनोल है, बेंजल्डिहाइड है, नाइट्रोबेंजीन है, तो यहाँ पे केवल एक ही कोई सब्स्टिट्यूट आके जुड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है। और दूसरा हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जैसे कि डाई, जैसे कि नेम हमारा डाई का मतलब होता है दो, यानी कि जैसे हमारा ये है बेंजीन, इसमें हमारा एक एनो टू यहाँ पे जुड़ गया है और एक एनो टू हमारा यहाँ पे जुड़ गया है, तो ये क्या बना हमारा डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तीसरा हमारे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि यहाँ पे दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट जुड़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे एनो टू जुड़ा है, अगर हम एक और यहाँ पे जोड़ दें, ठीक है, या इससे ज़्यादा कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाए, जैसे क्लोरीन वगैरह यहाँ पे जुड़ जाए, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूटेड। तो सिंपल सा वही यहाँ पे सारा कुछ लिख रखा है। देखोगे यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हेयर ओनली वन हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस, केवल एक हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होता है, जैसे कि यहाँ पे OH जुड़ गया, COH जुड़ गया, COOH जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। डाई सब्स्टिट्यूटेड में यहाँ पे आप देखोगे दो सब्स्टिट्यूट आके जुड़ जाएंगे, BR BR दो हैं, NO2 NO2 दो हैं। ठीक है, तीसरा पॉली सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दो से ज़्यादा हमारे सब्स्टिट्यूट आके जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, इसके अलावा यहाँ पे ब्रोमीन, ये यहाँ पे जुड़ा पड़ा है BR ग्रुप, तो दो से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। तो इतना आपने समझ आया। बात करते हैं देखिए इसके स्ट्रक्चर की, जो हमारी स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने देखी थी बेंजीन की, तो इसको सिद्ध करना है, हमने प्रूव करना है इसके क्या सबूत हैं कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर सही है, या बोले तो इसके क्या सबूत हैं कि बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो C6H6 होता है, या फिर क्या सबूत है कि हमारी जो बेंजीन है उसमें अल्टरनेटिव बॉन्ड होते हैं, बोले तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो उन सभी को सिद्ध करने के लिए जो हमारे पास प्रूफ होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एविडेंस। तो सिंपल से वही है, एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अवर एविडेंस, सॉरी अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन की जब स्ट्रक्चर पहले हमने डेराइव की थी, तो कौन कौन से हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं कि उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है। पहले बात करते हैं एनालिटिकल, जैसे कि हमारा एनालिटिकल यानी कि इसमें हम एनालिसिस करेंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, वहाँ तो आपने टाइट्रेशन वगैरह ही पढ़ा होगा, लेकिन कुछ एनालिसिस की टेक्निक होती है, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी है, तो उसके द्वारा हम पता करते हैं कोई भी कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला और उसका मॉलिकुलर वेट वगैरह। तो देखिए यहाँ पे आपने चेक तो करना नहीं है, वो तो साइंटिस्टों ने पहले ही सिद्ध कर रखा है, प्रूफ कर रखा है, बस आपने क्या है यहाँ पे जो लिखना है थ्योरी में वो आप समझ लीजिए, जिसके सिंपली आपने लिखना होगा द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज फाउंड टू बी C6H6। तो इसका फॉर्मूला ये पाया गया था, बोले तो इसके पास 6 हाइड्रोजन होते हैं, एंड अगर हम नॉर्मली देखें एक होता है हमारा साइक्लो हेक्सेन, जैसे कि ये होता है हमारा साइक्लो हेक्सेन, अगर इसको हम खोल कर देखें, जैसे कि टाइम नहीं लगाएं, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही पड़ा है, ये हमारा साइक्लो हेक्सेन है, यहाँ पे हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, H2 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 H2, लेकिन हमारा जो बेंजीन है उसके पास केवल कितनी हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो है कितनी है, 2 4 6 8 10 12 12 हाइड्रोजन है, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बेंजीन है उसमें कम हाइड्रोजन है, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उसमें डबल बॉन्ड बने हुए हैं, जबी तो हमारी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होंगी। देखिए यहाँ पे बात करें, कार्बन 4 वैलेंसी बॉन्ड बना सकता है, एक ये है दूसरा ये है, बाकी दो हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं। इधर बात करें, जैसे कि एक कार्बन ने इस तरफ से बना रखा, एक इस तरफ से बना रखा, दो, एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा, 3। तो इससे हमें ये अंदाजा लग रहा है कि कार्बन यहाँ पे सिंगल नहीं बल्कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड ही बना रखे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा जो बेंजीन है वो अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड कहने का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं है, नॉर्मली बोले तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो इससे जो एनालिटिकल एविडेंस है, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे ही हमें पता चला, तो उससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारा बेंजीन है वो जो है अनसेचुरेटेड है। ठीक है, तो सिंपल सा यही आपने लिखना है। बाकी अभी जैसे ही लेक्चर ख़त्म होने वाला होगा मैं आपको बताऊंगा शुरू से कि कैसे कितना आपने लिखना है। इसके अलावा सेकेंड हम बात करते हैं जो कि हमारे एविडेंस है वो है सिंथेटिक। जैसे कि अभी मैं अगर आपको सिलेबस भी दिखाऊँ,
जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, एनालिटिकल हमने देख लिया, यानी कि जिसको जिससे हमें पता चल रहा था कि हमारा जो बेंजीन है वो अनसेचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं जरूर है। इसके अलावा सिंथेटिक, सिंथेटिक जो है इससे जैसे कि हमारा सिंथेटिक यानी कि यहाँ पे किसी के हम सिंथेसिस करेंगे, किसी केमिकल को हम बनाएंगे और उससे पता करेंगे कि कैसा है हमारा बेंजीन। तो बात करें इसमें सबसे पहले देखिए हमारा एविडेंस है वो है, देखिए जब हम बेंजीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारा बेंजीन है C6H6, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और निकिल हमारे एक कैटलिस्ट है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बना लेता है C6H12, यानी कि ये हमारा साइक्लोहेक्सेन जो कि हमने देखा था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा बेंजीन है उसने हमारे 6 के 6 एटम अपने अंदर ले लिए और क्या बना दिया हमको, साइक्लोहेक्सेन। तो जैसे कि यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड थे आपको नजर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेंगे हटेंगे तभी तो हाइड्रोजन आके अटैच होगा। तो यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड यहाँ से हट रहे हैं और 6 यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो रहे हैं, या बोले तो सिंपली बोले तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जा रहे हैं। तो उसको उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है तीन डबल बॉन्ड हैं। एनालिटिकल से हमें पता चला था कि हमारा जो है वो अनसेचुरेटेड है बेंजीन, लेकिन इसमें हमको ये भी पता चल गया कि कितने उसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड हैं, इससे हमें पता चलता है। इसके अलावा देखिए सेकंड हमारा इसमें इसी की तरह का हमारा एविडेंस है वो है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन गिव्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड बाय एडिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। जिसके हमारा बेंजीन है C6H6, यहाँ पे हम उसी तरह जैसे हाइड्रोजन के ऐड करें तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 3 क्लोरीन के यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल ऐड किए अल्ट्रावायलेट रेज बोले तो यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में, रेज नहीं लाइट की प्रेजेंस में, तो ये हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना लेता है, यानी कि वही तीन डबल बॉन्ड हटे और 6 यहाँ पे इसके एटम आके अटैच हो गए। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड है। इसके अलावा अगर हम बेंजीन को जो है ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ट्राई ओजोनाइड बना लेता है, यानी कि वही तीन एटम ओजोन के यहाँ पे अटैच हो जाते हैं जाकर के ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से ये जो हमारे तीनों जो पॉइंट है वो ये प्रूव करते हैं कि जो हमारा बेंजीन है उसमें तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और ये हमारे एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए हमारा एविडेंस, मतलब जो सिद्ध करता है कि बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट अदर अनसेचुरेटेड कंपाउंड ईजिली ऑक्सीडाइज। जैसे कि बात करें जो हमारा बेंजीन है, जैसे कि बेंजीन सिंपली, तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता, बोले तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, तो यहाँ पे वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें जो हमारे दूसरे अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जो कि स्ट्रेट वाले होते हैं, बोले तो एलिफैटिक जो होते हैं, जैसे ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मतलब अनसेचुरेटेड है, तो ये जो है हमारा ईजिली जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेंजीन सोज सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। तो देखिए कई तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके नाम हमारा सब्स्टिट्यूट, यानी कि यहाँ पे जो कि हमारा बेंजीन है, जैसे कि मैं आपको जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा था सही तरह खोल के, चलो यहीं दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा इस तरीके से बेंजीन होगा अभी यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से होगा हमारा, एक जगह डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, तो ये हमारा बेंजीन है। तो बात करें यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर हमने हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा एटम यहाँ पे अटैच कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सपोज यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे Cl लगा दिया, ये हमारा हाइड्रोजन हट गया, तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो हमारी बेंजीन है ना उसमें सब्स्टिट्यूशन ही हो पाता है, उसमें एडिशन नहीं होता। एडिशन का मतलब क्या है, कोई नया ग्रुप ऐड करना, यानी कि सपोज हमने यहाँ पे Cl ऐड किया, अगर देखिए हम Cl को ऐड करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड इसने बना रखे हैं, रेजोनेंस इसने बना रखा है, तो ये जो है लॉस हो जाएगा। और कोई क्यों करेगा कंपाउंड अपने आप को, मतलब एक कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है तो वो अपने आप को नॉन एरोमेटिक क्यों बनाएगा, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, तो वो तो स्टेबल ही रहना चाहेगा ना, यानी कि वहाँ पे जो है एडिशन नहीं होगा। जो हमारा बेंजीन है वो काफ़ी इंटेलिजेंट यहाँ पे है, बोले तो कि यहाँ पे ये एक चीज़ को निकालता है, वो तभी निकालता है जब दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये जो है खुद को काफ़ी स्टेबल बना के ही रखता है, किसी दूसरे बंदे को वो एंटर नहीं कर सकता। हाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वो रिप्लेस कर सकता है, इसकी जगह दूसरे को जोड़ सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे नहीं ला सकता। तो ये है यहाँ पे सिंपली कि बेंजीन जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इनको हम डिटेल में देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे सिलेबस में वो सारी जो रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन,
फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ आएगा। तो ये केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो बेंजीन है ना वो साइक्लिक है, साइक्लिक यानी कि नॉर्मली जैसे कि हमारे एलिफैटिक वाले थे वो तो इजिली ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे, यानी कि कुछ तो अलग है बेंजीन में, यानी कि वो साइक्लिक है। दूसरा कि वो हमारे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, लेकिन जो अदर हमारे क्या है अनसेचुरेटेड कंपाउंड है एलिफैटिक वाले स्ट्रेट चैन वाले जैसे कि ये है, तो इसमें जो है इजिली हमारा एडिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे इसमें नहीं होगा, जैसे कि कुछ हमारे होते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन, जैसे कि ये एल्डिहाइड है तो यहाँ पे हमारा एडिशन हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा जो बेंजीन है वो साइक्लिक है, साथ के साथ जो है वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन अनसैचुरेटेड भी ऐसा है वो अदर एल्केन या एल्कीन या बोले तो स्ट्रेट चैन वाले कंपाउंड जो है उनकी तरह बिहेव नहीं करता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के। देखिए जल्दी से हम बात करते हैं, देखिए उसकी तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं, बोले तो तीन स्ट्रक्चर अभी तक हैं। जैसे सबसे पहले कैकुलेज स्ट्रक्चर, ही हमारा साइंटिस्ट का नेम है, सबसे पहले उन्हीं ने स्ट्रक्चर बताई थी कि इस तरीके से बेंजीन है, तो उन्हीं के नेम पे नाम रख दिया है। केमिकल स्ट्रक्चर जिसमें हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वो सारा चेक करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो भी अभी हम लास्ट में देखेंगे। तो सिंपल से वही लिखा है, हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच कैकुले, तो उन्होंने 1865 में स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन की। सबसे पहले उन्होंने सिंपली वही बोला था कि बेंजीन हमारी साइक्लिक होती है और इसमें जो है 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन जो है अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड उनसे वो कनेक्टेड होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, खुद आप लिख दोगे इसको, तो वही सिंगल डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे अटैच होते हैं, वही हमारी कैकुले स्ट्रक्चर है। दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिंपली वही बना देना है, खोल के यहाँ पे लिख देना है, कार्बन से हाइड्रोजन वगैरह जोड़ देने। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं कि इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये पॉइंट आपने रट लेना है या याद कर लेना है बिल्कुल, कि जो हमारे बेंजीन होते हैं उसमें जो कार्बन आइटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। इसके अलावा जो बेंजीन जो होता है उसमें रेजोनेंस होता है, वही तो हम बात कर रहे थे, रेजोनेंस यानी कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमारा रेजोनेंस ही तो है, ठीक है। इसके अलावा मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है, ये भी सिंपल आपको पता ही है। मोलिकुलर वेट आप याद रख लेना, जो कि आपका 78 होता है। और कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन ये जो है उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, वो अभी हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है, उसकी जो ऑर्बिटल पिक्चर है उसमें देखेंगे। इसके अलावा बात करें बॉन्ड एंगल जो है 120 होता है, बॉन्ड एंगल बोले तो जैसे कि ये हमारा कार्बन है तो इसमें जो एंगल है ये हमारा 120, ये जो है क्या है बॉन्ड एंगल है। और बात करें जो हमारा बॉन्ड लेंथ है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन और कार्बन के बीच में वो कितनी कितनी है, जैसे कि सपोज कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रखा है तो इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो है हमारी 1.34 एंगस्ट्रम। इस तरीके से कार्बन ने कार्बन से बना रखा है तो उसकी जो यहाँ पे लेंथ है वो हमारी 1.39 एंगस्ट्रम। तो सिंपल सा वही हमारा केमिकल स्ट्रक्चर में इस तरीके से आपने सारे कुछ लिख देना है। लास्ट में बात करते हैं वो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए बात करें जो हमारा बेंजीन है ना वो इन तरह के स्ट्रक्चर में वो नहीं रुकता है, बोले तो ये जो हमारे यहाँ पे पाई जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं डबल डबल वाले, ये जो है डिलोकलाइज होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं। तो सिंपल से उनकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना दी गई थी कि जो हमारा जो बेंजीन है वो इस तरीके से होता है, उसमें जो हमारे ये पाई बॉन्ड है वो घूमते रहते हैं, इसी को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये जो है हमारी जो कैकुले ने ये स्ट्रक्चर दी थी उनसे ज़्यादा ये स्टेबल होती है। तो इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा टॉपिक है जो छोटा सा ये वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा था, गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये जो है इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपने बनानी होगी। हमारा बेंजीन जो होता है उसमें जो सारे जो एटम्स होते हैं कार्बन वाले, जैसे कि बात करें ये हमारे कार्बन के एटम्स हैं, तो ये हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज कहने का मतलब क्या है, एक यहाँ पे अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब दो ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के दो ऑर्बिटल, सपोज हमारा एक एस है एक पी है, ये दो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल मिलकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि सेम एनर्जी के होते हैं, ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है sp2 कहने का मतलब यानी कि एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल, ये हमारे तीनों मिलेंगे और जो है क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि sp sp
एंड एसपी। तो ये जो है हमारी क्या है, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन ये हमारा कहलाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन्स होते हैं सारे के सारे वो एसपी टू हाइब्रिडाइज होते हैं। तो सिंपली देखिए, पहले हम इसके बैलेंस वगैरह देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। तो जैसे हमारे यहाँ पे कार्बन है, उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 6 है, बोले तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन वगैरह कौन से ऑर्बिटल में कैसे होते हैं। तो पहला ऑर्बिटल जो कि फुल होता है 1s, दो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 2s में एक होता है, बाकी 2px, 2py, 2pz उसमें जो है एक 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 होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो है न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे कि 1s में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो हमारा ये एक s और दो ये p, यानी कि 2px, 2py, ये दो तीनों मिलकर के हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी कि sp2, जो कि इस तरीके से होंगे। यहाँ पे जो जो 2pz है उसका कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। तो बात करें जो हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, उनका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। ट्राइगोनल कहने का मतलब है उसमें, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं बना करके, उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। यही है उसकी ऑर्बिटल पिक्चर, या बोले तो मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो अभी आपको थोड़ा टफ सा लग रहा होगा ये, यहाँ पे मैंने और बड़ा यहाँ पे बना रखा है कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं आपको देखिए बनाना सिखाता हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें पता ही है कि हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को मैं इस पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ हमारा, ये हमारे कार्बन है, जैसे कि हम बोलते हैं ट्राइगोनल, यानी कि कुछ इस तरीके से ये होगा और इसका शेप कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से होगी। ये हमारा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है कार्बन की, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है कुछ इस तरीके से और इधर, ठीक है। फटाफट से आपने पूरा ऐसा इस तरीके से बना देना और ये जो है हमारी वही पूरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो वही मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसे ही पॉइंट्स आपने बनाने होंगे और स्टार्ट आपने करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा ये यहाँ पे बॉन्ड बना है और इसके बाद लास्ट में है हमारा, और इस तरीके से, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही बना देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये जो है इसके ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस तरीके से आपने दिखा देना है कि ये यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं, ये हमारे सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड नहीं बनाए हैं, ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। और बात करें देखिए यहाँ पे जो हमारा ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच है। तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पे अलग तरीके से दिखा देते हैं कि देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, ये हाइड्रोजन अटैच है। बाकी जैसे कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो है जो हमारा 2pz है, इसका यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हमने शो करना होगा, ये किस तरीके से दिखाना होगा, ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा वो ऑर्बिटल छूट गया था और इस तरीके से, ठीक है, ये होगा यहाँ भी इस तरीके से, ये आपने दिखा देना है। बहुत ही आसान है इसकी स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनानी, ठीक है। तो ये जो हमारा छूटा पड़ा है यही जो है हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड कहने का मतलब क्या है, अभी जो हमने सिग्मा बॉन्ड जो आपको ये ब्लू ब्लू में जो नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये अभी हमारे सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, यानी कि जो कि हमारे सारे सिंगल होते हैं, हमारे सिग्मा बॉन्ड हैं। लेकिन जो ये डबल बॉन्ड जो है आपको ये नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड ये है हमारे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो है इन्हीं के बीच में बनता है, जैसे कि ये दो हमारे मिले एक पाई बॉन्ड बना, ये दो हमारे मिले एक पाई बॉन्ड बना, ये दो हमारे मिले एक पाई बॉन्ड बना, यानी कि कितने पाई बॉन्ड बने, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। बात करें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यहाँ पे 6 इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने समझ आ गई होगी कैसे आपने बनाना है। तो देखिए बात करते हैं कि आपने लिखना कैसे है, जैसे कि 10 मार्क्स में आ जाता है, कहाँ कहाँ कितना लिखना है। गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस एंड डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग आपने यहाँ से करनी है कि बेंजीन है क्या, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसका मोलिकुलर वेट क्या है, वो कितना हाइब्रिडाइज है, यानी कि सिंपली जो हमने यहाँ पे देखा था इसके केमिकल स्ट्रक्चर में, ये सारे पॉइंट आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताने होंगे,
कि इस तरीके से हमारा एरोमेटिक होता है, बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, ये सारे कुछ इतना होता है, ठीक है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर आपने बनानी है ना, वो इस तरीके से दिखानी होगी, जैसे कि ये है कि ये यहाँ पे डिलोकलाइज होते रहते हैं और इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेरिवेटिव के बारे में यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं है, तो पॉइंट पर आते हैं कि उसका हमने एविडेंस बताना होगा। सबसे पहले ये जो हमने एनालिटिकल एविडेंस देखा था, ये पूरा आपने इस तरीके से छापना होगा। उसके अलावा जो हमारे सिंथेटिक हैं, ये वाले एविडेंस, ये आपने यहाँ पे बताने होंगे, ठीक है। और ये जो है स्ट्रक्चर, अगर बात करें जैसे कि ये सारे पॉइंट वो भी हमारे एविडेंस में थे, तो ये सारे आपने लिखने हैं, या फिर आप बीच में स्ट्रक्चर आप डाल सकते हैं, यानी कि पहले आपने इंट्रो डाला कि बेंजीन है क्या, बेंजीन के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर आपने दिखा दी कि इसमें देखिए तीन तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती हैं, एक हमारा केमिकल, एक हमारा कैकुल, एक हमारा रेजोनेंस। इसके बाद सिंपली आपने एनालिटिकल एविडेंस और सिंथेटिक एविडेंस ये बता देने हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने करना है। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप जो है फार्मेसी वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।